नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक अफेयर्स में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी इसके लिए दो नए मिशन जिसको नासा ने अभी हाल ही में अनाउंस करा है, दाविंसी और वेरिटास। उससे पहले मैं आपको ये बीबीसी का एक न्यूज़ आर्टिकल दिखा देता हूँ जिसने इस न्यूज़ को कवर किया है। उसके बाद ये मैंने नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्टिकल लिया है और ये नासा का एक ट्वीट जिसमें नासा ने इस बारे में इन्फॉर्म किया है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके थोड़े इतिहास के बारे में बता देता हूँ कि वीनस के लिए इससे पहले भी यूएसएसआर, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, जापान, जाक्सा, इन सब ने मिशन लॉन्च किए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे वेनेरा सीरीज़ का यूएसएसआर का मिशन था, मैरिनियर सीरीज़ था, मैंगलेनन के काफ़ी सारे सीरीज़ थे और भी कई सारे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें इंडिया की अगर बात करें तो इसका भी एक 2024 में तय किया गया मिशन शुक्रयान है जो कि 2024 में ही लॉन्च करा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इनके दोनों मिशंस के बारे में, दाविंसी और फेरिटास। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा वर्ष 2028 और 30 के बीच शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दो नए मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। ये दो मिशन हैं दाविंसी, जिसकी फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, और वेरिटास की फुल फॉर्म है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी। सो पहले यानी दाविंसी मिशन के तहत शुक्र ग्रह के बनने की प्रक्रिया से लेकर इसके विकास से होते हुए वर्तमान वायुमंडल तक का अध्ययन करा जाएगा। दूसरे मिशन यानी वेरिटास से शुक्र ग्रह के भूगर्भीय इतिहास का पता लगाया जाएगा, साथ ही साथ इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि शुक्र ग्रह का विकास पृथ्वी से इतना अलग क्यों है। नासा के मुताबिक प्रत्येक मिशन के लिए $500 का खर्च अनुमानित है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है जो आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी के समान है। सूर्य का दूसरा ग्रह होने के कारण इसकी सतह का अधिकतम तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जो शीशे को भी पिघला सकता है, यहाँ तक कि लेड को भी पिघला सकता है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वेरिटास मिशन जो है वो वीनस के एटमॉस्फेरिक वायुमंडल का पूरा अध्ययन करेगा, और जो हमारा दाविंसी मिशन है वो वीनस के पूरे सरफेस से लेके उसके अंदर की पूरी संरचना का अध्ययन करेगा। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि वेरिटास मिशन में ये जो दोनों सैटेलाइट दिए गए हैं यानी इंसार, ये किस तरीके से रेडियो वेव को एक बार एमिट करते हैं, देन जब वो रेडियो वेव वापस सतह से यानी सरफेस से टकरा कर वापस आती है और ये इंसार उनसे उन्हें रिसीव करता है, तो अगर उनके फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में अगर कोई भी डिफरेंस अगर मिलता है तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वीनस पर अभी भी अर्थक्विक और वोल्केनो जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली टेक साइंस से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।